अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ हसनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डेयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से सोशल मीडिया पर चंद गैर मुतलका और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक फेक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार भी एमए और एमएससी के फ्रेश एडमिशन ऑफ़र कर रही है और यूनिवर्सिटी ने फ्रेश एडमिशन ओपन किए हैं। तो ये वाली न्यूज़ बिल्कुल फेक है और झूठ पर मबनी है, इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने HEC की पॉलिसी और हिदायत की वजह से एमए और एमएससी के प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। तो अब सेमेस्टर खजान 2022 के जो एडमिशन यूनिवर्सिटी ने ओपन किए हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने एमए और एमएससी के फ्रेश एडमिशन यानी कि न्यू एडमिशन ऑफ़र नहीं किए। यूनिवर्सिटी ने आगे हमेशा के लिए एमए के फ्रेश एडमिशन बंद कर दिए हैं। तो सिर्फ अब अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमए और एमएससी के जारी एडमिशन ओपन हैं। वो स्टूडेंट्स अपने अगले सेमेस्टर में इनरोलमेंट कर सकते हैं, अपने अगले सेमेस्टर का एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी न्यू एडमिशन एमए और एमएससी के यूनिवर्सिटी ने हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स इस तरह की फेक न्यूज़ से और इश्तहारात से इज्तनाब करें जिसमें यह कहा जा रहा हो कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमए और एमएससी के फ्रेश एडमिशन भी ओपन हैं। तो इस तरह के जितने भी इश्तहारात और एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल फेक हैं, उसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। तो तमाम स्टूडेंट्स इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से इज्तनाब करें और अपने आप को अलर्ट रखें। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी अपडेट अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।